हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि फ्रॉम अंडमान। आज मैं आप लोगों के साथ आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दम आलू की रेसिपी है बंगाली स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं आज दही दम आलू रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दही दम आलू की रेसिपी। बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है ये। आप पराठा, रोटी या चावल, राइस के साथ, किसी के साथ भी ये खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये छोटा छोटा आलू जो होता है ना, उसे मैंने उबाल लिया है और कुकर में एक सीटी मैं लगा ली और इसे मैं छील ली। और दम आलू के लिए ना ये छोटा वाला आलू ही बेस्ट होता है। देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई गरम करने के लिए रख चुकी थी और यहाँ पर मैंने देखिए 3 से 4 चम्मच के करीब मैं तेल डाल चुकी हूँ। और ये तेल थोड़ा गरम होने के बाद मैं इसमें यहाँ पर देखिए तेल गरम हो चुका है और मैं यहाँ पर ये जो आलू है इसे अभी फ्राई करने के लिए डाल दी। और इसमें मैं थोड़ा सा अभी हल्दी डाली। ये मैं शैलो फ्राई करूँगी, मतलब हल्का हल्का मैं ऊपर से खाली कलर आने के लिए इसे फ्राई करूँगी। आलू को अगर हल्का पहले फ्राई कर लेना तो उसका एक अच्छा ही अलग मतलब खुशबू आता है। आलू जो फ्राई होता है उसका, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पहले मैं इसे अच्छे तरीके से थोड़ा फ्राई कर लूँगी, बस ऊपर से लाल लाल कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये आलू में कलर आ चुका है, बस मैं इतना ही रखूँगी इसका कलर। तो ये हो चुका है, देखिए मैं अभी इसे पूरा निकाल लूँगी। और इसी कढ़ाई में फिर ग्रेवी बनाना है। तो ये कढ़ाई में जो भी है एकदम अच्छे तरीके से इसे पूरा निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरा एकदम अच्छे तरीके से निकाल ली और इसमें जितना तेल था बस मैं उसी में ही बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड कर दिया है। ये जीरा जब भुन जाए तो इसमें 2 इलायची, 2 दालचीनी और 4 लौंग मैं इसमें ऐड कर दी और 3 लाल मिर्च सूखा वाला। तो ये सबको अभी थोड़ा फ्राई कर लेना है, हल्का हल्का भून लेना है। ये अगर हल्का थोड़ा मतलब भुन जाएगा तो इसका भी एक मतलब अच्छा खुशबू आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, उसे भी मैं अभी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मेरा मतलब वीडियो नहीं हो पाया, यहाँ मैंने हल्दी और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दी थी पहले ही। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नमक ऐड करी, तो आप लोग भी ये ऐड ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी ये जो मैं हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर, साथ में मैं अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाली, ये सब के साथ इसे मैं अच्छे तरीके से अभी भूनूंगी। मतलब इसका कच्चा कोई भी मतलब मसाला का कच्चा स्मेल ना आए उतना देर से थोड़ा भून लेना है। वो वीडियो नहीं मैं दिखा पाई आप लोगों को। तो ये जब अच्छे तरीके से हो जाएगा फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच दही ले लिया है। देखिए मैं आप लोगों को चम्मच से उठाकर दिखा रही हूँ, यहाँ पर 4 चम्मच एकदम थिक दही है ये। और यहाँ इस टाइम में फ्लेम एकदम लो रखना है, नहीं तो दही फट जाएगा। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो मसाला फ्राई होने के बाद मैं एकदम लो फ्लेम पे अभी ये दही को मैं ऐड करी और इसे अच्छे तरीके से अभी थोड़ा देर भूनना है। देखिए इसे मैं अच्छे तरीके से भून ली, देखिए बिल्कुल भी दही फटा नहीं है और एकदम क्रीमी सा बन चुका है। यहाँ पर अभी मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ।
मेरा दही, अब दही भी मैं मसाले के साथ थोड़ी देर अच्छे से भून ली। और अभी यहाँ पर मैं एक कप पानी ऐड कर दी। अब ये सबको थोड़ा देर बॉईल कर लेना है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैं आधा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करी। ये मैं अभी इसीलिए ऐड करी क्योंकि ये मसाला मेरा भुना हुआ है। मैं जीरा और धनिया को पहले गोटा साबुत धनिया और साबुत जीरा को डाल ली सूखा कढ़ाई पे, फिर उसे पाउडर करी, तो इसीलिए मैं ये ग्रेवी के ऊपर डाली। तो ये देखिए यहाँ पर बॉईल आ चुका है और मैं इसमें पूरा आलू, फ्राई वाला जो आलू था वो ऐड कर दी। अभी इस आलू के साथ ये ग्रेवी को अच्छे तरीके से पकाना है और इसे ऐसे ही ढक ढक कर पकाना है। तो देखिए मैं इसे 2-3 बार ढक ढक कर पका ली। देखिए ग्रेवी गाढ़ा हो रहा है और थोड़ा सा मैं इसे थिक कर लूँगी। ये देखिए हो चुका है, तो इतना ही थिक मैं रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि ये ठंडा होने से और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अभी मैं इसमें हरा धनिया मैं चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दी। तो देखिए ये हो चुका है, मेरा बन चुका है ग्रेवी। दही दम आलू मेरा हो चुका है बनाना। तो कितना देखने से ही इतना अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इसका कलर इतना अच्छा आया है, देखिए कैसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है और मेरा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करिएगा और अच्छा लगे तो मुझे लाइक करिए और मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर प्लीज़ कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छा अच्छा रेसिपी देखने के लिए। तो देखिए फाइनली मैं इसे सर्व कर चुकी हूँ और कैसा लग रहा है इसका फाइनल लुक। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा गुना टेस्टी बनता है ये। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।